أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العلي العظيم. इस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल और अल्लाह का एहसान, हमारा दरसे कुरान का जो ये बाबरकत सिलसिला चल रहा है, गुज़िश्ता हफ्ते इस दरस में सूरतुल बकरा की आयत नंबर 196 का आगाज हुआ। और एक बात मैंने आप हजरात के सामने अर्ज की थी कि आयत नंबर 196 से अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम बयान फरमाए, उन अहकाम में 11वें नंबर का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिक्र फरमाया। और वो जो 11वें नंबर का हुक्म अल्लाह ने इस आयत के अंदर बयान फरमाया बतौर खास, वो है हज और उम्रे के कुछ अहम और खास मसाइल। हज का मुकम्मल तरीका और उम्रे का मुकम्मल तरीका, जहां पर पहले आयतों में हज और उम्रे का जिक्र आया हमने वहां पर तफसील के साथ में अर्ज कर दिया था और सारा तरीका वहां पर गुजर चुका है। उसके बाद अब ये जो आयात हैं, इन आयात में हम मुकम्मल तरीका नहीं बयान कर रहे, ना तो हज का और ना ही उम्रे का। अलबत्ता इन आयतों में अल्लाह ने जो मसले जिक्र फरमाए हैं, उन मसलों की वजाहत आपके सामने की जा रही है। चुनाचे गुज़िश्ता हफ्ते जब ये आयत नंबर 196 हमारी शुरू हुई, तो इस आयत मुबारका का जो शुरू का हिस्सा था उसके ताल्लुक से जो बातें थी वो मैंने आपके सामने अर्ज की थी। और एक बात आपसे ये कही थी कि ये आयत पाक बड़ी अजीम है और बड़ी तवील है। इस आयत में अल्लाह ने बहुत सारे मसले जिक्र किए, उनमें से पहला मसला हमने गुज़िश्ता हफ्ते पढ़ा था और उसको समझा था। अब इंशाल्लाह आज का जो हमारा दर्स है इसमें हम अगला मसला शुरू करेंगे। इस आयत पाक में अल्लाह ने दूसरा जो हुक्म अता फरमाया वो क्या है, उसकी वजाहत आपके सामने करेंगे। कुल 3 मसले इस आयत के अंदर हैं। एक मसला हमारा पहले हो चुका है, 2 मसले इंशाल्लाह इस आयत के आज हमारे सामने मुकम्मल होंगे। अल्लाह से दुआ फरमाए कि अल्लाह हम सबको तमाम बातें सही से समझ करके अपनी जिंदगी में दाखिल करने की तौफीक अता फरमाए। आयत मुबारका का जो पहला हिस्सा हमने पिछले हफ्ते समझा है, एक बार मैं उसका भी तर्जमा आपको सुना दूं। अल्लाह ये इरशाद फरमा रहे वअतिमुल हज वल उमरा लिल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं हज को और उम्रे को पूरा करो अल्लाह के लिए। इसका जो मतलब है कि हज फर्ज है
और उम्रा फर्ज नहीं है, फर्क क्या है दोनों में, वो फर्ज और ये फर्ज क्यों नहीं कहा गया, इन सब बातों की वजाहत मैंने पिछले हफ्ते आपके सामने कर दी थी कि उम्रा शरीयत में फर्ज क्यों नहीं है। दलाइल के एतबार से जो बात थी वो गुज़िश्ता हफ्ते आ चुकी। आगे अल्लाह ने फरमाया फइन उहसिरतुम फमस्तैसर मिनल हदी। अल्लाह ने कहा अगर तुमने हज का या उम्रे का इहराम बांधा और उसके बाद तुम हज या उम्रा नहीं कर सके, एहराम बांध लिया, हज का बांधा या उम्रे का बांधा और बंदा नहीं कर सका, तो अब उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो सारी आपको गुज़िश्ता हफ्ते सुनाई। अल्लाह ने फरमाया फमस्तैसर मिनल हदी कि उस बंदे को चाहिए कि एक कुर्बानी पेश करे। अब सारी वजाहत हमने कर दी थी कि रुकावटें किस किस तरह की हो सकती है, क्या क्या रुकावटें मोतबर मानी जाएंगी, फिर रुकावट होने के बाद हमारा एहराम कौन सा है तो हमें कुर्बानी कैसी करनी होगी, कौन से एहराम में कुर्बानी कौन सी होगी, वो सब तफसील गुज़िश्ता हफ्ते सुनाई गई है, जिसको कहा था मसअला इहसार यानी इहसार का मसअला, वो सब गुजर गए। फिर फरमाया अल्लाह ने वला तहलिकू रुउसकुम हत्ता यबलुगल हदयु महिल्ला, अपने सर को मत मुंडाना जब तक कि तुम्हारा कुर्बानी का जानवर अपनी मकाम और अपनी जगह पे ना पहुंच जाए, यानी कुर्बानी जब तक हमारी जिबा ना हो जाए, वो जानवर जिबा ना कर दिया जाए, उस वक्त तक हम अपना सर नहीं मुंडा सकते, एहराम बाकी रहेगा, जानवर जिबा, एहराम खत्म, उसके बाद हम अपना घर को चले जाए। ये था मसला, और जो पहला मसला था गुज़िश्ता हफ्ते जिसको हमने सुना था, ये आयत का पहला हिस्सा है। अब जो आज हमारा मसला है, आयत की तरतीब के एतबार से मसला नंबर दो और आज के एतबार से ये पहला मसला। अब जरा वो टुकड़ा सुनिए, अल्लाह फरमा रहे फमन कान मिनकुम मरीज़न, समझिएगा जरा, अल्लाह कह रहे हैं जो बंदा तुम में बीमार हो, औ बिही अदन मिन रौसिही, या उसके सर में कोई तकलीफ हो, बीमारी हो, कोई परेशानी हो, फफिदियतुम मिन सियाम औ सदकतिन औ नुसुक, अल्लाह फरमा रहे फिर उस बंदे को चाहिए कि फिदिया दे दे, और फिदिया क्या देगा, या तो रोजा या सदका और या कुर्बानी, या तो रोजा या सदका या कुर्बानी, ये तीन ऑप्शन है फिदिये में। ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर ये दूसरा मसला इतनी बात में पूरा जिक्र कर दिया, लेकिन अगर मैं सिर्फ इतना तर्जमा आपके सामने करूं कि अल्लाह ने फरमाया कि जो तुम में से मरीज हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो वो बंदा फिदिया दे दे, या तो रोजे का या सदके के जरिए और या कुर्बानी के जरिए, बस ये हुक्म पूरा हो गया, मसला मुकम्मल। अब कोई बात ना मुकम्मल वाजे नहीं हो पाती इतने जुमले से हमारे सामने, कौन सा मसला था, क्या बात बताना चाह रहे हैं, क्या मकसूद है अल्लाह का, अभी कुछ भी आपके सामने क्लियर नहीं हुआ होगा। अब इसको जरा समझने के लिए, अब जो मैं इस मसले की पूरी वजाहत सुनाने जा रहा हूं वो सुनिए, उसके बाद इंशाल्लाह जब तर्जमा करेंगे आपको तब इसका मफहूम समझ में आएगा। अब इस मसले को जरा सुन लीजिए, देखिए, अगर कोई बंदा एहराम बांध लेता है, एहराम बांधने का मतलब आप सबको याद है, मैंने बार बार रिपीट किया कि बंदा हज की या उम्रे की नियत करे और लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ ले तो बस उसका एहराम शुरू, समझ गए ना, किसी बंदे ने एहराम बांध लिया। अब एहराम बांधने के बाद जब तक उसके तमाम आमाल मुकम्मल ना हो जाएं, चाहे हज हो या उम्रा हो, उसके लिए बाल का कटवाना एहराम में जायज नहीं है। यह तो सबने सुना होगा भाई, जहन में है या नहीं इतनी बात,
तो जिस बंदे ने इहराम बांधा उसके लिए अपने बालों का कटवाना, चाहे हज का हो या उम्रे का हो, अपने सारे कामों के निमटने से पहले अपने बाल को कटवाना जायज नहीं होता। इहराम में कोई अपने बाल नहीं कटवाता, मना है हालत इहराम में बाल कटवाना। ठीक है, चले, ये तो मशहूर मसला है। लेकिन उसके बाद जब हम सारे काम करके फारिग हो जाएं और हमारा उम्रा या हज जो भी है उसके हमने आमाल अपने कर लिए, हम फारिग हो गए, इहराम हमारा बंधा हुआ है, अब उस इहराम को खत्म करने के लिए हुक्म है कि आप अपने बाल कटवाइए। उस बाल के कटवाने से जो इहराम हमारा चला आ रहा था वो इहराम खत्म हो जाएगा। समझिएगा जरा, यानी इहराम बांधने के बाद सारे काम करने से पहले अपने बालों को कटवाना जायज नहीं है, लेकिन जब हमने सारे काम कर लिए और तमाम चीजों से हम फारिग हो गए, तो तमाम चीजों से फारिग होने के बाद बिल्कुल आखिर में फिर हमारे लिए बालों का कटवाना जरूरी है, तब हम एहराम की पाबंदियों से बाहर आएंगे। ये पूरा मसला है बालों के सिलसिले में, ये ज़हन में रखिएगा ताकि बातें समझना आगे आसान हो जाए। तो जरा आप जरा दोहरा लीजिए, यानी बंदा जब हज का या उम्रे का इहराम बांधता है, अब उसके बाद हज के जितने काम हैं, उम्रे के जितने काम हैं, उन सारे कामों से पहले अगर कोई बाल कटवाना चाहे तो मेरे भाई सब बोलो ना, जायज नहीं, वो जायज नहीं है। लेकिन जब हमारे वो सारे काम पूरे हो जाएंगे और हम चाहें कि अब हमारा इहराम खत्म हो जाए, हम उसे डिसकंटिन्यू कर दें, बंद कर दें, तो फिर हमारे लिए हुक्म है कि अब आप क्या कटवाएं, अपने बाल कटवाएं। समझ रहे हैं, फिर बाल कटवाना जरूरी है, बाल कटवा के इहराम फिर हमारा पूरा हो जाता है। ये मसला है शरीयत में बड़ा अहम। अब इस मसले को समझने के बाद जो असल बात है, अब आगे की थोड़ी सी वो समझिए कि जो ये बाल कटवाए जाते हैं सारे कामों से फारिग होने के बाद, फिर बाल कटवाए तो फिर हमारा अमल मुकम्मल, पाबंदियां जो थी वो अक्सर सब खत्म, उम्र में तो सारी खत्म हो जाती हैं, हज के अंदर थोड़ी बहुत बाकी रहती है, तवाफ़ ज़ियारत के बाद वो भी खत्म हो जाती है। अब हमें और आपको गौर ये करना है कि ये जो बाल कटने हैं, जो ये बाल कटवाए जाएंगे अखीर में इहराम की पाबंदियां खत्म करने के लिए, इसके लिए शर्त ये है कि ये हरम की बॉर्डर के अंदर होना चाहिए, काम हरम शरीफ के अंदर, हरम जो है उसके अंदर ये बाल कटेंगे तब हमारा ये वाजिब अदा होगा। अगर हमने हरम के बाहर अपने इन बालों को कटवा लिया तो फिर ये वाजिब हमारा सही तौर पर अदा नहीं होगा। ये सबसे पहली बात याद रखना, बाल कटवाने जरूरी है इस पाबंदी को खत्म करने के लिए, लेकिन ये बाल कटेंगे कहां, बोलिए भाई, हरम शरीफ में, हरम के अंदर बाल कटेंगे, ये हमारे लिए लाजमी है। हरम के बाहर कटवाने से हमारा यह अमल अधूरा रह जाएगा, मुकम्मल नहीं होगा। अब यहां पर थोड़ा सा आप ये जो हरम का लफ्ज है ना, इसे भी समझ लीजिए। मैंने वैसे पहले कम से कम 2-3 मरतबा इन बातों को समझाया, लेकिन फिर बता देता हूं ताकि आसानी हो जाए। देखिए, 4 लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। एक लफ्ज हमारे यहां बोला जाता है खानाई काबा, ये सबसे पहला लफ्ज है। उसके बाद दूसरा लफ्ज बोला जाता है मस्जिदुल हराम, दूसरा लफ्ज मस्जिदुल हराम। तीसरा लफ्ज हमारे यहां बोला जाता है हरम शरीफ, क्या है तीसरा लफ्ज, हरम शरीफ।
और चौथा लफ्ज हमारे यहां पे बोला जाता है मीकात। चौथा लफ्ज मीकात। ये चार अल्फाज हैं, जरा ज़हन में रखिएगा। अब मैं इनके सबके मतलब समझाऊंगा ताकि ये चीजें समझना आसान हो कि अल्लाह ने कौन सा अमल किस जगह करने का हुक्म दिया। चार जगह, खाने काबा, मस्जिदुल हराम, हरम शरीफ और मीकात, ये चार चीजें याद रखने के काबिल। खाने काबा कौन सी जगह है? सारी दुनिया जानती है, वो चौकोर घर ब्लैक गिलाफ वाला, काले गिलाफ से छुपा हुआ जो वो खास चौकोर घर है, उसे बोला जाता है खाने काबा। वो खाने काबा है। उस चौकोर घर के बाहर का जो सेहन है और उस सेहन के बाद जो पांच मंजिला इमारत है और उस पांच मंजिला इमारत के बाहर भी फिर खुला हुआ सेहन है, फिर आते हैं होटल। तो जहां तक वो बाहर का खुला हुआ सेहन है वो पूरा दायरा कहलाता है मस्जिदुल हराम। क्या बोलेंगे? मस्जिदुल हराम। वो सारा इलाका मस्जिदुल हराम कहलाता है। ये दूसरा लफ्ज हो गया। तीसरा जो लफ्ज है वो है हरम शरीफ। हमारे यहां बहुत सारे हजरात हरम शरीफ का जब लफ्ज सुनते हैं या बोलते हैं मतलब समझते हैं वो मस्जिद जो काबे के चारों तरफ बनी हुई है। ये बात मैंने पहले भी समझाई है कि जो मस्जिद खाने काबा के चारों तरफ बनी हुई है उसको असल जो उसका नाम है वो है मस्जिदुल हराम। अब हरम शरीफ क्या है? हरम शरीफ ये और एक तीसरी बॉर्डर है। पहले खाने काबा सबसे छोटी जगह, उसके बाद मस्जिदुल हराम ये उसके चारों तरफ गोल बड़ी जगह, उसके बाद हरम शरीफ ये उससे भी बाहर की बाउंड्री, उसमें और बहुत सारा इलाका आ जाता है, बहुत सारे शहर, शहर के शहर दाखिल हो जाते हैं हरम शरीफ के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पर मक्कतुल मुकर्रमा, मक्का शहर ये हरम में है। इसी तरह मक्कतुल मुकर्रमा के करीब में मैदान है, मैदान मुजदलिफा, मशहूर मैदान है जहां पे हाजी रात गुजारते, वो मैदान मुजदलिफा वो भी हरम के अंदर दाखिल है। अब ये कई कई किलोमीटर है मस्जिदुल हराम से, लेकिन हरम की बाउंड्री वहां तक है, ये जगह भी उसमें हरम में आती है। तो ये तीसरी बाउंड्री है जिसका नाम है हरम शरीफ। इसमें बहुत सारा हिस्सा दाखिल हो जाता है और बहुत सारी जगह। ये तीसरा हो गया। उसके बाद चौथी जो चीज है वो और बड़ी बाउंड्री है, और बड़ा दायरा है, उसे बोला जाता है मीकात। उसे क्या बोलेंगे? मीकात। वो मीकात कहलाएगा। इसकी मिसाल जैसे जद्दा शहर, जद्दा शहर मक्कतुल मुकर्रमा से कई किलोमीटर दूर है, बहुत सारी दूरी पर है जद्दा। ना तो वो खाने काबा है, ना मस्जिदुल हराम में है, ना हरम में है, अलबत्ता मीकात के अंदर है। मीकात की जो बाउंड्री है ना वो जद्दा को भी अपने अंदर कवर कर लेती। बात समझ गए ना सारे हजरा? तो ये चार लफ्ज हैं और चार चीजें हैं। जो पहला लफ्ज है वो सबसे मुख्तसर, उसके बाद वाली की बाउंड्री उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और चौथी सबसे बड़ी, और ये चारों के अंदर बीच में मौजूद है खाने काबा। अब खाने काबा को हम ये कह सकते हैं खाने काबा मीकात के अंदर है, हरम शरीफ के अंदर है और मस्जिदुल हराम के अंदर है। खाने काबा वो जगह है जो सब जगह पर आती है, क्योंकि उसी की आजमत के ये दायरे हैं चारों तरफ। जैसे दुनिया के अंदर ना जो बड़े लोग होते हैं उनकी सिक्योरिटी जो होती है, हिफाजती इंतजाम, उसके लेवल अलग अलग होते हैं। ये इस लेवल पर, ये इस लेवल पर, ये इस लेवल पर। तो खाने काबा सबसे ज्यादा काबिले मोहतरम जगह, काबिले एहतराम जगह, उसकी हिफाजत के दायरे ये तीन बनाए गए।
अब अगर ये ज़हन में रहेगा इंशाल्लाह आगे की सारी बातें समझना आसान हो जाएंगी। तो अब चारों में सबसे पहला लफ्ज मैंने क्या बताया, सब बोलिए, खाने काबा। दूसरा लफ्ज मस्जिदुल हराम। नंबर तीन हरम शरीफ। नंबर चार मीकात। खाने काबा सबसे पहली वो इमारत जो मुख्तसर सी है, उसके बाद जो उसके चारों तरफ गोल मस्जिद बनी हुई है उसका नाम मस्जिदुल हराम, और उसके बाद जो और बड़ा दायरा है जिसमें सारा मक्का शहर दाखिल हो जाता है, मुजदलिफा का मैदान दाखिल होता है, मीना का मैदान दाखिल होता है, उसको क्या बोला जाता है, हरम शरीफ। वो सब हरम शरीफ के अंदर दाखिल है। और उसके बाद चौथा दायरा है, चौथी बाउंड्री है जिसके अंदर ये सारी जगह तो है ही है, उसके अलावा पूरा जद्दा शहर भी उसके अंदर दाखिल है, और उसको क्या कहा जाता है, मीकात। ये चारों अल्लाह का शुक्र चले आपके सामने वाजे हो गए, अब मसले समझना आसान होंगे। अब आइए उस बात पर जहां से ये बात निकली है। क्या बात थी, असल टॉपिक हमारा ये था और असल मामला हमारा यह है कि ये बाल कटवाना जरूरी है एहराम की पाबंदियों से बाहर आने के लिए, और मैंने ये बताया कि ये बाल कटवाने जरूरी हैं हमें हरम के अंदर, हरम के अंदर कहीं भी हमारे ये बाल कट जाने चाहिए। हरम से बाहर अगर कटवाए तो बताइए गलत है या सही है, गलत है। चलें ये तो मसला हो गया, अब जरा इसको टेस्ट करने के लिए एक हल्का सा आपसे हम सवाल कर लेते हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि मामला समझ में आ गया। एक बंदा है जिसने उम्रे के सारे आमाल कर लिए, सारी चीजें कर ली और सारी चीजों से फारिग हो गया, अब मामला आता है बाल के कटवाने का। उस बंदे ने सोचा कि अभी मैंने जद्दा शहर नहीं घूमा है, लाओ जद्दा शहर घूमने चला जाऊं। वो बेचारा वहां पे गया, वहां पे उसे बड़ी खूबसूरत सैलून और दुकानें नजर आई। उसने सोचा कि यार ये तो बड़ी शानदार और खूबसूरत जगह है, लाओ यहां पर इसी सैलून पर मैं बालों को कटवा लेता हूं। अब अगर उसने जद्दा जाकर के अपने बालों को कटवाया, बताइए सही है या गलत है, गलत है, अल्लाह का शुक्र। तो ये गलत है, क्यों, इसलिए कि जद्दा जो वो गया है वो हरम से बाहर है, अलबत्ता मीकात के अंदर है, हरम से वो बाहर हो गए, लिहाजा अब इस बंदे के लिए वहां जाकर के बाल कटवाना ये गलत होगा, एक बात। चले दूसरी चीज बता दें, एक बंदा है उसने सारे आमाल किए, सारी चीजों से वो फारिग हुआ, और फारिग होने के बाद उसने सोचा कि अभी मैंने यहां के जो मुकद्दस मकामात है वो देखे नहीं है, बाल बाद में कटवाऊंगा, पहले जगहों की जियारत कर लू, वो जियारत के लिए निकल गए। इसी दौरान उसकी गाड़ी पहुंची एक मैदान में जिस मैदान का नाम है मीना का मैदान। उस मैदान में वो पहुंचा और वहां पे वो देख रहा था, मुआयना कर रहा था, उसे वहां पे दिल करा कि दुकान नजर आई, सोचा लाओ बाल कटवाने हैं वो कटवा लूं। उसने मीना के मैदान में बाल कटवा लिए। बोले सही है या गलत है, सही है, क्योंकि मीना का मैदान ये किस में दाखिल है, हरम में दाखिल है, इसलिए वहां जाके बाल कटवाना सही है, कोई मसला नहीं है, चाहे वो कई किलोमीटर दूर चल के जाएगा कोई हरज की बात नहीं, लेकिन सही है इसलिए कि हरम के अंदर बाल कटे। चलिए अल्लाह का फजल है आपने बता दिया ना, तो अब समझ में आ गया कि ये जगहों की पहचान हमें अच्छी तरह से हो गई। अब चले आगे, अब अगली बात सुने, बाल कटवाने के मसले चल रहे हैं, और चूंकि यही मसला है अल्लाह ने जो दूसरे नंबर पे इस आयत में जिक्र किया, इसलिए मैं पहले इसके सारी बातें बता दूं उसके बाद आयत को शुरू करेंगे। दूसरी बात एक समझ लें बाल कटवाने के ताल्लुक से, अगर कोई आदमी गंजा है यानी उसके बाल ही नहीं है बिजारे के, ऐसे भी होते हैं उसके बाल ही नहीं उगते, अब
वो चला गया उम्रा करने के लिए। अब ऐसे अफराद जब बेचारे जाते हैं ना, उन्हें यहीं से टेंशन हो जाती है कि हम क्या करेंगे। तो अब वो बंदा जा रहा है उम्रा करने, हज करने या किसी भी इबादत को अदा करने के लिए, उसके सर पे बाल नाम की कोई चीज मौजूद नहीं है। अब वो बेचारा वहां जा रहा है, उसने उम्रा कर लिया, सारे काम कर लिए, बाल तो मोहतरम के है नहीं, वो उस तरह के पे चलवाए, कैंची भी नहीं चल सकती, कुछ भी नहीं, वहां तो पिच वैसे ही साफ है सारी। अब क्या करेगा, अब परेशानी का मामला। ये सूरत हाल उन हजरात के साथ भी पेश आती है जिन्होंने जाने के बाद उम्रा कर लिया, उम्रा करके आज फारिग हुए, दिल किया उनका लाओ एक और उम्रा कर ले, अगले दिन एहराम बांध के फिर आ गए, उम्रा कर लिया। अब उस दूसरे वाले उम्रे का जब एहराम खोलना है ना, तो फिर वो उस्तोरा, लेकिन कल रात ही तो उस्तोरा चला है, अभी तो जड़े भी नहीं निकली, अब क्या होगा। तो ऐसे हजरात के लिए याद रखिएगा ये बात ज़हन में रहनी चाहिए, हुक्म ये है कि सिर्फ सर पर उस्तोरा वैसे ही फिरवा दी, किसी से कहें कि बस वैसे ही मेरे सर पर ना उस्तोरा फेर दो, लेकिन उस्तोरा सर पे फिरवाना जरूर पड़ेगा, ये टच जरूर कराना पड़ेगा, ये हुक्म होगा उनके लिए कि अपने सर पर खाली उस्तोरा फिरवा दीजिए और वो उस्तोरा फिरेगा, उसके बाद उनका एहराम और अमल मुकम्मल हो जाएगा, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, जा सकते। इसी तरह इस बाल कटवाने में एक और बात याद रखिए कि मर्द हजरात के लिए तो अफजल है कि उस्तोरा चलवाएं, और बाकी अगर खाली कैंची से कटवाना चाहें तो वो भी जायज है, लेकिन अफजल यही है कि उस्तोरा। और औरत के लिए हुक्म यह है कि वो अपने बालों को सिर्फ एक पोरवी के बराबर कटवाएगी, बाल खुले होने की हालत में नीचे की तरफ जहां लटक रहे नीचे से पकड़ करके बस एक पूर्वी के बराबर जो बाल आते हैं तकरीबन उतने बालों को नीचे से कटवा देगी, तो फिर उसका जो एहराम का मामला है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो इतने बाल कटवाना सिर्फ उसके लिए काफी है, इससे ज्यादा की उसे जरूरत नहीं है, ये बात ज़हन में रखिएगा। उसके बाद ये अहकाम जो आपके सामने चल रहे हैं इसी में अब अगली बार, अब क्या मसला पेश आ सकता है किसी के साथ में जिसको बतौर खास अल्लाह ने इस आयत में जिक्र किया। एक बंदा है वो एहराम बांधे हुए एहराम में है, अभी उसने सारे काम किए नहीं, हज का एहराम चल रहा है, अभी बहुत सारे आमाल उसके बाकी हैं, लेकिन बेचारा किसी मरज में मुब्तला हो गया, बीमार हो गया, कुछ परेशानी पेश आ गई, कोई तकलीफ में मुब्तला हो गया। अब ऐसी तकलीफ है उसके साथ में कि उसे बाल कटवाने जरूरी हो रहे हैं, उसके लिए तमाम काम पूरे करने तक बालों को रोक करके रखना भारी पड़ रहा, कुछ भी हो सकता है किसी के साथ में, कोई भी सूरत हाल पेश आ सकती है, तो शरीयत तो मसले सबके बताती है ना, इसलिए मालूम सारी बातें रहनी चाहिए कि कोई ऐसी कंडीशन बन गई कि वो अब बालों को नहीं रख सकता, उसने कटवाने पड़ेंगे बाल। हालांकि मसला ये कह रहा है कि आप बाल जब कटवाएं जब सारे काम पूरे हो जाएं, लेकिन उसका नहीं है रुकने का मौका, बीमारी हो गई या तकलीफ का कोई मामला है, उसके लिए कटवाना जरूरी है। अब वो बंदा क्या करेगा, क्या करेगा, इसके लिए जरा एक हदीस मुबारक सुनिए, उसमें इसका जवाब। दरवाजा खोल लें बीच वाले, पूरा खोल लें, उसके लिए इसमें जवाब क्या तरीका इख्तियार किया जाएगा वो जरा तरीका सुने। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हुदैबिया के मैदान में थे, जरा सारे हजरात इसको सुने। एक सहाबी है हजरते काब रदी अल्लाह अन, हजरते काब रदी अल्लाह अन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उनके पास से गुजरे, हजरते काब तशरीफ फरमाए और
खाना बना रहे हैं, एक हांडी उन्होंने चूल्हे पे चढ़ा रखी है, खाना बनाने में मजबूर है। हजरत काब अल्लाह के नबी का गुजर हुआ, आपने जब उनको देखा, एहराम में थे हजरत काब, अल्लाह के नबी की जब नजर पड़ी ना तो उनके सर में ना जुए बे इंतहा हो रही थी। बाद मरतबा ये एक बीमारी की शक्ल हो जाती है कि बेपनाह जुए सर में पैदा हो जाती और कितनी ज्यादा थी, हदीस के अंदर आता है कि इतनी ज्यादा हो गई थी कि आगे चेहरे के आगे झड़ रही थी बाकायदा, जुए आगे की तरफ ना झड़ रही थी, गिर रही थी, टप टप करके गिरी जा रही थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, आपने कहा कि भाई ये जो तुम्हारे सर में हो रहे इससे तुम्हें परेशानी हो रही होगी। उन्होंने कहा हजरत बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज्यादा परेशानी। तो जब उन्होंने हजरत काब ने अपनी परेशानी बताई, अल्लाह के नबी से कहा कि इसका हल तो हलक है, उस्तुरा है कि सारे बाल साफ करा दें तब ये छुट्टी होगी, लेकिन मैं एहराम में हूं, हलक करा नहीं सकता, बाल साफ करा नहीं सकता, अब मैं परेशान हूं। जब उन्होंने अपनी ये परेशानी नबी को बताई, उस मौके पर अल्लाह ने ये टुकड़ा उतारा जो आज हमारा सबक में चल रहा है, उस मौके के ऊपर ये आयात उतरी है। उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें क्या हिदायत दी, अल्लाह के नबी ने उनसे फरमाया, भाई जब तुम्हें इतनी तकलीफ है तो तुम अपना सर मुंडा दो, उस्तुरा चलवाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब तक तुम्हारे ये सारे बाल खत्म नहीं होंगे उस वक्त तक तुम्हारी ये बीमारी खत्म नहीं हो सकती, ये पीछा तुम्हारा नहीं छोड़ेगी, ये होती रहेंगी बालों के अंदर और ज्यादा पैदा और ज्यादा पैदा। आपने फरमाया सर मुंडा दो, लेकिन वो तो जायज नहीं है अभी मुंडाना, उसका हल क्या है, अल्लाह ने उसका हल बताया, नबी ने उन्हें बताया, फरमाया तुम इसका फिदिया दे दो, सर मुंडा दो और फिदिया अदा कर दो। अब क्या फिदिया दिया जाना है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसका फिदिया तीन ऑप्शन है तुम्हारे पास, तीन में से कोई सा एक काम कर लेना फिदिया अदा हो जाएगा। तीन ऑप्शन अल्लाह के नबी ने बताए, क्या क्या, आपने फरमाया नंबर एक, तीन रोजे रख लेना, कितने रोजे, तीन रोजे रख लेना। नंबर दो, दूसरा तरीका, छह गरीबों को पेट भर के खिला देना, छह गरीबों को पेट भर के खाना खिला देना, ये दूसरी चीज। और तीसरा बताया, या अगर चाहो तो एक जानवर जिबा कर देना, ये तीन ऑप्शन है। फरमाया कि अपने सर को मुंडा दो, अभी जायज नहीं है तुम्हारे लिए मुंडाना, लेकिन चूंकि उज्र है तुम्हारे साथ में, इसलिए उज्र की वजह से तुम्हारे लिए रियायत है, तुम अपना सर साफ कराना चाहो तो करा सकते हो, लेकिन उसके बाद आपने तीन कामों में से एक काम करना पड़ेगा, या तो क्या करें, बोलो भाई, तीन रोजे रखें, और या क्या करें, छह गरीबों को खाना खिला दें, और या क्या करें, एक जानवर जिबा करें। अब आप कहेंगे कि भाई कोई भी बंदा ये तीसरा ऑप्शन नहीं लेगा, तीन रोजे अक्सर सोचेंगे कि इन हालात में तीन रोजे रख लें, ऐसा मौसम है तो, वरना छह लोगों को पकड़ के खाना खिला दे, और एक जानवर का जिबा तो बड़ा महंगा बैठेगा। लेकिन ऑप्शन बहरहाल पता रहना चाहिए, हो सकता है किसी के पास जानवर भी इंतहा तादाद में, उसके लिए वही सस्ता पड़े, मुमकिन है कि किसी के लिए किसी में आसानी हो, लेकिन कुरान ने ये तीन तरीके बयान फरमाए हैं, और अल्लाह ने उस मौके के ऊपर ये टुकड़ा नाजिल फरमाया, अल्लाह के नबी ने उन्हें बताया, उन्होंने उस तोरा चलवाया और अपने इस अमल से फारिग हो गए, और हुजूर ने उन्हें ये तीन ऑप्शन अता फरमा दिए। भाई समझ में आ गया है ना सबको? अब ये हम सबको भी याद रखना चाहिए
ये सारे मसले आप ये ना सोचे कि भाई ये तो उन्हीं के लिए या उसके लिए, नहीं, जरूरत तो सबको पेश आ सकती। अगर कोई भी बंदा एहराम की हालत में है और उसे मान लीजिए अपने सारे काम पूरे करने से पहले बाल कटवाने जरूरी पड़ जाए, तो फिर ऐसी सूरत में वो कटवा ले, लेकिन साथ में वो ये करे कि इन तीन कामों में से कोई सा एक काम कर ले, तो फिर उसका हज या उम्रा अदा हो जाए। ये हुक्म यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए। एक चीज यहां पर यह बात भी जहन में रखना कि ये बाल कटवाना मना था, उन्होंने कटवाए उज्र की वजह से। तो ये तीन ऑप्शन है, या तो चाहे आप तीन रोजे रखें, या छह को खाना खिलाएं, या जानवर ज़बह करें। लेकिन अगर कोई बंदा बगैर उज्र के बाल कटवा दे, अगर उसने बगैर उज्र के अपने बालों को कटवा दिया, तो फिर याद रखना दो ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, लास्ट वाला फिक्स हो जाएगा, यानी बंदे को कुर्बानी करनी पड़ेगी। फिर वो दो ऑप्शन खत्म है। अगर किसी ने बगैर उज्र के बाल कटवा दिए तो दो खत्म, फिर सिर्फ तीसरा। और अगर उज्र की वजह से कटवाएं तो तीन ऑप्शन जो आपने और हमने अभी यहां पर सुने, उसको अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर इन आयात के अंदर बयान फरमाया। भाई सब समझ गए अच्छी तरह? अब ये सारी बातें सुनने के बाद और जहन में बिठाने के बाद, अब जो अल्फाज हैं कुरान पाक के, अब सुनिए, अल्लाह ने चाहा अब आपको बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। जो अभी आयत हमने पहले सुनी थी, जब पता नहीं लगा था कि क्या है इसमें, अब इंशाल्लाह सारा मतलब उसका वाजे हो जाएगा। अब सुनिए, अल्लाह फरमा रहे फमन कान मिनकुम मरीज़ा, अल्लाह कह रहे हैं अगर कोई तुम में मरीज है, बीमार है, कोई भी बीमारी हो सकती है, बिही अदम में रौसी, या उसके सर में वाकई कोई तकलीफ है और उसकी वजह से उसने अपने बाल कटवा दिए टाइमिंग से पहले, तो अल्लाह फरमा रहे फफिदिया, उसे क्या देना पड़ेगा? फिदिया देना पड़ेगा। और क्या फिदिया होगा? अल्लाह ने फरमाया मिन सियाम औ सदका औ नुसुक। सियाम के माना रोजा, सदका के माना वही छह गरीबों को खाना खिलाना, औ नुसुक, नुसुक के माना कुर्बानी करना। तो ये अल्लाह ने यहां पर तीन ऑप्शन इस आयत मुबारका में उस शख्स के लिए आता फरमाए जिसको मजबूरी की वजह से अपने बाल वगैरह कटवाने पड़ जाएं वक्त से पहले, वो इन तीन में से कोई सा एक काम करके अपना अमल सही कर सकता है। भाई सबको याद हो गया ना अच्छी तरह? हां, जहन के अंदर ये बातें बिठाने की जरूरत है। गुज़िश्ता हफ्ते जब दर्स हुआ, उसके बाद फारिग होकर के गए, तो एक ने ना तमाम का तमाम दर्स अज अव्वल ता आखिर खाली सुना है यहां पर, लेकिन माशाल्लाह ऐसे हजरात यहां पर इस अंदाज के अंदर भी सुनते हैं कि अज अव्वल ता आखिर सारा का सारा दर्स लिख करके पूरा हु बहू भेज दिया कि आपने दर्स के अंदर ये सारी बातें इस अंदाज के अंदर बताई हैं, वो सारी अपने हिफ्ज से वो सारी दर्ज कर ली। ओ पूरा लंबा माशाल्लाह से मजमून, मैं पूरा तो अभी देख भी नहीं पाया, लेकिन इतना बड़ा था, इतना बड़ा जितना तो बयान होता वो, अब आप सोचे वो सारी बातें उसमें समेटी हुई हिफ्ज से। तो ये चीज होनी चाहिए कि हम और आप बातों को याद रखें। कुरान पाक का जो दर्स है ना, इसका ये सबसे बड़ा फायदा है कि ये एक टॉपिक पे बात नहीं होती। आप कभी किसास के मसले सुन रहे होते, कभी रोजों के मसले सुन रहे होते, कभी वसीयत के मसले सुन रहे होते, कभी हुस्न अखलाक की तालीम, कभी नमाज की तालीम, कभी रोजे के मसले, और कभी ये हज के मसले आते। कुरान के दर्स की यही बरकत है कि आदमी को मुकम्मल दीन सीखने को मिलता है। इसलिए बंदे को ना इसका जरा सा एहतमाम रखना चाहिए और बंदे को बातें याद करनी चाहिए, क्योंकि फिर बड़ी काम आती है जब कभी जरूरत पड़ती।
तो ये मसला अल्लाह का फजल हमारा यहां पे आपके सामने मैंने अर्ज कर दी। उसके बाद अगली बात हमें और आपको जो समझनी है उसको शुरू करेंगे, जो इस आयत का तीसरा मसला है और आज का हमारा दूसरा मसला है, फिर ये आयत हमारी मुकम्मल है। अब उसको शुरू करने से पहले इस मसले को जरा दोहरा लीजिए आप हजरा। मैंने सबसे पहले बताया कि एहराम बांधने के बाद अगर हमारे आमाल अभी काम सारे नहीं हुए तो बाल काटना जायज है या नहीं? सब बोलो भाई नहीं। भाई गाड़ियों का ही तो तेल खत्म हुआ है, हमारा तो नहीं हुआ ना, हमारा तो नहीं हुआ ना, अभी तो माशाल्लाह गाड़ियों का भी चल ही रहा है। एक साहब आते हैं यहां दर्स के अंदर, उनकी कॉल आई आज असर में, कहने लगे मैं एक गांव से आता हूं, कहने लगे कि मेरी बाइक का तो तेल खत्म है, मिल के दे नहीं रहा है, दुआ करिए कोई दूसरी बाइक का नज्म हो जाए तो मैं दर्स में आ सकूं। अब पता नहीं वो पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा कि जरा बता दीजिए कि एहराम की हालत में जब बंदे ने एहराम बांधा तो उस के काम पूरा करने से पहले बाल कटवाना जायज नहीं है, और जब सारे काम हो जाए तो बाल कटवाना जरूरी है। जब सारे काम हो जाए तो बाल कटवाना जरूरी है। अब ये बात होने के बाद फिर मैंने आपके सामने अगली जो बात जिक्र की है कि जो ये बाल कटेंगे ये कहां कटने जरूरी हैं? सब बोलिए हरम शरीफ में। अगर किसी ने हरम के बाहर मीकात के अंदर कटवाए तो उसका यह अमल सही नहीं कहलाएगा, गलत अमल हो जाएगा। यह दूसरी बात याद रखें। तीसरी बात कि जिसके सर पे बाल ही ना हो और सारे बाल उसके गायब हो चुके हो, अब वो चाहे गंजेपन की वजह से और या उम्रा उसने किया है ताजा, उसके बाद उसने अलग करा लिया, अब अगला उम्रा कर रहा है, सर पे बाल नहीं है, तो ऐसे के लिए हुक्म है कि वो सर पर उस सूरा फिरवा ले। तो वैसे तो वहां वो 10 रियाल लेते हैं, लेकिन जब खाली गंजे पे हमें उस सूरा फिरवाना हो तो फिर उनसे जरा दो तीन रियाल में आदमी बात कर ले कि तुम्हारा क्या जा रहा है, खाली दिल की तसल्ली करनी है, खाली तुम्हें इसे टहलाना है, खाली वैसे ही अपना ये उस्तूरा तेज करने की नियत से फेर लो मेरे सर पर, तो आदमी कर सकता है, कोई हरज की बात नहीं। उसके बाद मैंने अर्ज किया कि औरतों को जो कटवाने हैं वो कितने बाल कटेंगे? उनके एक पूर्वी के बराबर, सिर्फ इतने कटवाने काफी है। फिर ये बात अर्ज की कि अगर कोई बंदा परेशान हो, उज्र में हो और उसको पहले ही बाल कटवाने पड़ जाए और कोई वाकई उज्र है उसके लिए, तो फिर वो बंदा बाल कटवा सकता है, लेकिन कटवाने के बाद में उसको तीन कामों में से एक काम करना पड़ेगा। नंबर एक, तीन रोजे रखे। नंबर दो, 6 गरीबों को खाना खिलाए। नंबर तीन, 1 जानवर कुर्बान करे। ये जो जानवर की कुर्बानी होगी ये भी याद रखना, ये इंडिया में नहीं, ये भी हरम के अंदर होगी, वही तीसरी वाली जो बाउंड्री है, हरम के अंदर ये जानवर की कुर्बानी होगी, यहां की कुर्बानी मौतबर नहीं होगी। तो वो तीन काम करेगा। लेकिन अगर किसी बंदे ने एहराम बांधने के बाद सारे काम पूरे होने से पहले बगैर किसी उजर के बाल कटवा दिए तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा? कुर्बानी ही करनी पड़ेगी। अब रोजे या गरीबों को खाना खिला के काम नहीं चलने वाला। अब जहन में बैठ गया होगा सब हजरात के। अब चलें आगे, अगला मसला, आगे की आयत सुने। अल्लाह इरशाद फरमा रहे, ये है तीसरा हिस्सा आयत नंबर 196 का, 196, ये आखिरी मसला। अल्लाह ने कहा फ़ाइदा अमिनतुम, पस जब तुम्हें अमन और इत्मीनान और सुकून हो जाए, फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज्जी, पस जो शख्स फायदा उठाए उम्रे को हज के साथ मिलाकर, फमस्तैसर मिनल हदी,
उसे चाहिए कि कुर्बानी करे जो आसान हो। फमल लम यजिद फसियामु सलासती अय्याम, और जो कुर्बानी न कर सके वो तीन रोजे रखे। फिल हज, हज में, वसबातिन इदा रजातुम, और सात रोजे रखे अपने फारिग होने के बाद, वापस होने के बाद। तिल का अशरतुन कामिला, ये मुकम्मल दस रोजे हैं। दालिका लिमन लम यकुन अहलुहु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, अल्लाह कह रहे हैं ये मसला उसके लिए है जिसके घर वाले मस्जिदुल हराम के आसपास में ना रहते हों। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहना। वालमु, और ये बात याद रखना, अन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह बड़ी जबरदस्त पकड़ करने वाला भी है। ये है आयत का तीसरा हिस्सा जो अल्लाह ने यहां पे बयान किया। अब सेम कंडीशन है, फिर वही वाली हालत कैफियत कि अभी हमने ये खाली सुना है, अभी हमें मफहूम नहीं समझ में आया, लेकिन अब जरा अब आप तफसील सुनिए सारी बातों की, फिर हम लास्ट में इंशाअल्लाह दोबारा तर्जमा करेंगे। अल्लाह ने चाहा फिर सारी बातें अपनी जगह आपके जहन में फिट हो जाएंगी। अब जरा मसले सुने, देखे अल्लाह ने हज के अय्याम तो कुल पांच हैं। हज के जो असल दिन है वो कुल कितने हैं? पांच। असल दिन हज के पांच हैं। अलबत्ता हज के जो महीने कहलाते इस्लाम में वो अलग हैं। वो कितने हैं? उनके बारे में उलमा ने लिखा है, हज के महीनों में सबसे पहला महीना शुमार होता है शव्वाल का महीना। कौन सा महीना? शव्वाल का महीना। दूसरा महीना है ज़ुल्क़ादा। कौन सा महीना? ज़ुल्क़ादा। और तीसरा ज़ुल्हिज्जा। कौन सा? ज़ुल्हिज्जा। ज़ुल्हिज्जा पूरा हज के दिनों में नहीं है, इसके सिर्फ शुरू के दस दिन उसमें शुमार होते। शव्वाल का पूरा महीना, ज़ुल्क़ादा का पूरा महीना, और ज़ुल्हिज्जा का शुरू के सिर्फ दस दिन का वक्त। ये जो है तकरीबन सत्तर दिन का जो पीरियड है ये कहलाता है अशहूरे हज, यानी हज के महीने और अय्याम। अभी इससे जो अगली आयत है उसमें ये मसला डिटेल से आएगा, इसकी बहुत सारी बातें वो मैं वहीं वाजे करूंगा इंशाअल्लाह। अभी बस इतना आप हजरात याद रखना कि जब ये लफ्ज बोला जाएगा हज के महीने तो कौन कौन से मुराद होंगे? नंबर एक शव्वाल, नंबर दो ज़ुल्क़ादा, और नंबर तीन ज़ुल्हिज्जा। और ज़ुल्हिज्जा के सिर्फ कितने दिन? दस दिन, बाकी के बीस नहीं। कुल ये सत्तर दिन का पीरियड है जो हज के महीने कहलाते। एक बार। अब दूसरी बार दूसरी चीज जरा ये जहन में रखें कि ये जो हज के महीने हैं जो हमने और आपने सुने, जमाने जाहिलियत जो था यानी इस्लाम से पहले का जो दौर था, हज तो लोग उसमें भी करने आते थे, जाहिलियत का जो दौर था उसमें लोगों का एक तसव्वुर था, उन्होंने अपना एक अकीदा भी बना रखा था। क्या? ये जरा समझना। उनका अकीदा ये था कि जब हज के महीने शुरू हो जाएं, जब हज के महीने शुरू हो जाएं, तो किसी भी बंदे के लिए उन महीनों में हज और उमरा दोनों इबादतों को करना जायज नहीं है। तो उन्होंने यह अकीदा बनाया था कि
कि हज के महीने शुरू होने के बाद जब अय्याम हज शुरू हो जाए ये 70 दिन किसी भी बंदे के लिए हज और उमरा दोनों इबादतें इन दिनों में करना जायज नहीं है। सिर्फ हज करे, उमरा इन दिनों में करने के गलत है। ये बात उन हजरात के जहन में थी जो जाहिलियत का दौर था। वो हजरात क्या करते थे, शव्वाल शुरू होते ही एक शव्वाल यानी ईद के दिन से फिर वो उमरे करना बंद कर देते थे कि अब ये हज के महीने शुरू हो गए, अब उमरा नहीं है, न शव्वाल में न दुलकादा में न दुलहिज में, सिर्फ हज किया जाएगा और 10 जुलहिज्जा के बाद में फिर दोबारा उमरा किसी को करना है तो वो उसके बाद कर सकता। एक शव्वाल से 10 जुलहिज्जा तक नहीं होगा उमरा। ये उन सब के जहन के अंदर ये बात थी और यह अकीदा उन्होंने बना रखा था। समझ में आ गए ना मसीह, ये बात उन सब के जहन में थी। उनके दिमाग में क्या था, वो लोग ये सोचते थे कि भाई ये हज के अय्याम में और उमरा तो सारे साल होता है, पूरे साल उमरा किया जाता है, तो इन दिनों में सिर्फ हज के ऊपर तवज्जो दी जाए, उमरे को बिल्कुल बंद कर दिया जाए। इसलिए वो हजरात उमरे को बिल्कुल गलत समझते थे और उन अय्याम में नहीं किया करते थे। ये उन हजरात का दस्तूर था जाहिलियत के जमाने में कुफार का जो हज करने आते थे। इस्लाम ने इस अकीदे को और इस नजरिए को थोड़ा सा बदला और थोड़ा सा बाकी रखा। यह बहुत अहम मसला है, यह सब जरा सुनिएगा और यह भी शायद ऐसा मसला है कि आज पहली बार यह हम सुनेंगे। मैंने सबसे पहले तो बताया कि उस जमाने में जाहिलियत के काफिरों का अकीदा क्या था, वो क्या समझते थे कि हज के महीनों में बोलो भाई उमरा नहीं किया जा सकता, उमरा नहीं होगा हज के अय्याम में। वो अपने ही एतबार से बेचारे दिमागदार बनते थे, बड़े जहीन फहीम अपने आप को समझते थे। हालांकि वो खाली उनकी रस्में थी, उसका असल से कोई ताल्लुक नहीं, कोई समझाए तो उन्हें समझ में नहीं आता था। अजीब व गरीब हालात थे। मैंने कई बार बताया, एक तो उमरा नहीं करते, हज करने आते तो हरम के बाहर, बैतुल्लाह के बाहर, मस्जिदुल हराम के बाहर ही अपने कपड़े उतार देते और नंगे जाकर के बैतुल्लाह का तवाफ करते थे। उनसे कोई कहता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं तो जवाब देते कि भाई इन कपड़ों में तो हमने अल्लाह की नाफरमानियां की और इन्हीं में हम बैतुल्लाह का तवाफ करें, यह अदब के खिलाफ है और नंगे होके करना यह अदब है। लेकिन कौन समझाए, जो बंदा ना अपनी अपनी चलाता है ना उसको कोई नहीं समझा सकता और फिर उसे वक्त ही समझाता है। इस पर मुझे एक बात याद आई, अजीबो गरीब, अपनी चलाने पर कुछ वक्त पहले जब बरसात का मौसम चल रहा था, कभी बारिश हो रही थी, कोई कंटिन्यू वाली भी नहीं, कभी हो जाती थी कभी नहीं, हमारे यहां पर हमारे घर पर एक मेहमान आए, वो दो हजरात थे। अब रात में उनका कियाम हुआ, अब जब रात में सोने का मरहला आया तो मैंने कहा भाई ऊपर वाला जो हिस्सा है घर का हमारे, हमने कहा आप हजरात वहां रुके, वहां सारा इंतजाम है, आराम से सोए, हम नीचे वाले पोर्शन में, आप हजरात ऊपर रुके। तो वो बेचारे कहने लगे कि हम तो छत पे सोएंगे, छत पे सोएंगे। वो थे असल एतबार से रहने वाले गांव के, उन्हें बेचारों को वो जो खुली फिजा है ना वो बड़ी अच्छी लगती है, उसके आगे फिर एसी कूलर कुछ नहीं बल्ले पड़ते कि हम तो छत पे सोएंगे, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मैंने कहा मेरे भाई यहीं लेट जाइए नीचे, कोई हरज नहीं है, आराम रहेगा, राहत है, सारे अजबाब में गर्मी बिल्कुल नहीं लगेगी आपको, अगर लगी तो फिर देख लेना। नहीं जी, दिल कर रहा हूं ऊपर ही लेटी हूं। मैंने कहा शौक से, कोई हरज नहीं। अब
हुआ क्या विचारों के साथ, बस अल्लाह रहम करे, अब वो जाकर के ऊपर लेटे, फोन उन्होंने मुझे दे दिया कि मुफ्ती साहब फोन लगा देना हमारा चार्जिंग पे। तो फोन मैंने उनका लेके नीचे चार्जिंग पे लगा दिया, वो हजरात ऊपर जाकर के लेट गए। उन्हें मैंने छत पर लिटाने के बाद जो ममटी थी उसका जो गेट था उसमें कुंडी लगा दी, क्योंकि वहां से फिर वो रात में कभी कुछ बाहर की जंगली बिल्ली विल्ली छतों से कूदती कूदती आती है। तो मैंने कहा कि सुबह में नमाज में मैं उठूंगा, और जब मैं नमाज के लिए उठूंगा तो फिर इन्हें उठाऊंगा और उठा करके इन्हें बेदार कर दूंगा नमाज के लिए उठना, उससे पहले तो ये भी नहीं उठने। अब वो बेचारे लेट गए वहां जाकर के तीसरी मंजिल पे, और हम लोग लेटे बिल्कुल नीचे और कमरा बंद। रात में होती है बारिश शुरू, हमारी जो छत है अल्लाह का करना उस पर कोई छज्जा भी नहीं है, बिल्कुल ओपन, कुछ नहीं है वहां में। अब शुरू हो गई रात में बारिश, उन्होंने बेचारों ने जब आंख खुली उनकी, उन्होंने उठ करके दरवाजा बहुत खटखटाया, लेकिन मेरी कहां आंख खुलने वाली, एक तो हम नीचे सो रहे हैं दो मंजिल उनसे नीचे रूम में लेटे बेडरूम में, उसका दरवाजा बिल्कुल बंद, दरवाजा बिल्कुल बंद, मोबाइल उनका मेरे ही रूम में चार्जिंग पे लगा हुआ, फोन वो कर नहीं सकते। वो बेचारे वहां पे बढ़िया करके उन्होंने कहा आज तो किस्मत में नहाना लिखा है, चलो नहाने की नियत कर लो। अब जब मैं सुबह में उठा, मेरा अलार्म हुआ, मैं उठा और उठ करके मैंने सोचा इस्तिंजा बाद में करूंगा, पहले मेहमानों को उठा के आ जाऊं, फिर उसके बाद में हम इस्तिंजा वुजू करेंगे ताकि इतने वो हजरात भी उठने के लिए तैयार हो जाए। अब मैं जब ऊपर जीनों पे चढ़ करके वहां पे पहुंचा और ममटी का मैंने दरवाजा खोला, अजीब नजारा था सामने, सर से पैर तक बिचारे तर कोने में टेक लगाए आराम से बैठे, मुकम्मल बढ़िया नहाए हुए। अब उन्हें देख के हंसी भी आ रही थी, वहां गम भी हो रहा था, लेकिन उसके बाद अल्लाह का शुक्र वो खैर आए उतरे, थोड़े बेतकल्लुफ थे मेरे से। मैंने कहा मेरे भाई ये लतीफा ना आपका मैं बयान में जरूर सुनाऊंगा कि अपनी अकल चलाने का नतीजा ये होता है। आप गांव में बेशक लेट जाते लेकिन वहां पर आसानी भी तो है ना, आप लेटे हुए वहां पे तो आराम से सारा ओपन ही हिस्सा होता है, बंदा जब चाहे उतर जाए, जब चाहे चढ़ जाए, जब चाहे जो कर ले। हमने कहा हर जगह ना अपनी अकल नहीं, जहां पे जा रहे वहां वाले की अकल से चलना चाहिए। जो बंदा ज्यादा ओवर स्मार्ट होता है ना तो फिर वही हाल होता है, ना चाहते हुए भी सुबह ही गुसल हो जाता है। तो वो बेचारे फारिग होकर के वुजू से गुसल से सबसे बैठे हुए थे, फिर तो कोई मसला ही नहीं रह गया उनके। फिर अभी कुछ दिन पहले उनकी कॉल आई कि हमने आना है। मैंने कहा आप बिल्कुल तशरीफ लाइए, लेकिन आप जरा सोच के आना कि छत पे तो नहीं लेटने का इरादा। उन्होंने कहा कि तौबा कर ली है, आज के बाद कभी अपने मसले पे नहीं अमल करना। तो बहरहाल गम का भी मौका है लेकिन अफसोस भी होता है कि अजीब और गरीब सूरत विचारों के साथ पेश आ गए। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो अपने दिमाग से बंदा करता है ना तो फिर ये नतीजे आते हैं। अब ये जो मक्का के लोग थे ना, ये अपने हिसाब से अदब क्या होता वो अपने हिसाब से, बेअदबी क्या होती वो अपने हिसाब से, सब खुद बनाते थे। और इनका एक और मामला बताऊं, आप हैरान होंगे, ये सारे जो मक्का के लोग थे जब हज करते थे तो दो मैदान पड़ते, एक अराफात का मैदान और एक मुजदलीफा का मैदान। मुजदलीफा का जो मैदान है यह है हरम में, अभी आपने सुना। अराफात का जो मैदान है यह हरम से बाहर है, यह हरम से बाहर है, मीकात के तो अंदर है लेकिन हरम से बाहर है। जब ये मक्का वाले जो असल मक्का के कुरैश थे, जो ये कुफार थे, जब ये हज के लिए वहां पे जाते तो इनका अमल क्या होता था, ये सारे के सारे लोग मुजदलीफा जाते और बाकी सबसे कहते तुम अराफात जाओ, कहते हम नहीं जाएंगे अराफात।
लोगों ने इनसे वजह पूछी कि आप अराफात क्यों नहीं जाते। इन्होंने कहा हम तो बड़े ऊंचे खानदान वाले हैं, हम सारा हज हरम के अंदर करेंगे, हम हरम से बाहर नहीं निकलेंगे, हमने तो सारा हज हरम के अंदर करना है, जो जगह हरम के अंदर है वहां तो हम जाएंगे, जो जगह बाहर नहीं है वहां नहीं जाएंगे। अरे अल्लाह के बंदो, तुम अपने हिसाब से कर रहे हो या खुदा के हिसाब से कर रहे हो? कहते हमारी शान में ना तौहीन हो जाएगी अगर हम हरम से बाहर गए, इसलिए अराफात का बाइकाट, मुजदलफा ही में रुकते थे और वहीं से वापस हो जाते थे, अराफात जाते ही नहीं थे, और बाकी सबको अराफात भेजते थे कि तुम सब अराफात जाओ। ये हाल था इनका। तो बहरहाल इन्होंने ये मसला और अकीदा बना रखा था कि जब हज के महीने शुरू हो जाएं तो उमरा नहीं होगा, सिर्फ क्या किया जा सकता है, हज किया जाएगा। अरे अल्लाह के बंदो, हज तो बिल्कुल ज़ुलहिज में आएगा, और ये जो शव्वाल का ज़ुलक़ादा का महीना है इसमें तो उमरे कर लो, लेकिन वो ना करते थे ना करने देते थे, बिल्कुल पाबंदी। अब अल्लाह ने जब इस रस्म को खत्म किया तो कैसे किया, एक हिस्सा खत्म किया और एक हिस्सा बाकी रखा। अब यह मसला सुनने के लायक है, बड़ा अहम सबके लिए। अल्लाह ने क्या हुक्म दिया, अल्लाह ने फिर यह मसला बताया कि कुछ लोग तो वो हैं जो मीकात के अंदर रहने वाले, मीकात का मतलब समझ गए ना, वो जो चौथी बाउंड्री है सबसे बड़ी वाली। अल्लाह ने कहा कुछ लोग वो हैं जो मीकात के अंदर रहने वाले हैं और कुछ वो हैं जो मीकात के बाहर रहने वाले हैं। जो हजरात मीकात के अंदर रहने वाले हैं उन हजरात के लिए हज के महीने शुरू होने के बाद उम्रा करना अब मना है, वो सिर्फ हज करेंगे, हज के साथ उम्रा नहीं कर सकते। जो मीकात के अंदर रहने वाले उनके लिए मना कर दिया अल्लाह ने, और वजह क्या थी इसकी, भाई ये करीब के लोग हैं, ये करीब के लोग हैं, ये तो जब चाहे आकर के, क्योंकि मीकात के अंदर रह रहे हैं तो ज्यादा दूर नहीं है इनके घर, ये तो जब चाहे बाद में आकर के भी उमरा कर सकते हैं, तो इस वक्त हज के महीनों में क्या बिना वजह भीड़ करानी इनके जरिए। अल्लाह ने जब ही कुरान के अंदर इनको मना कर दिया कि आपने उमरा नहीं करना, आपके लिए जायज नहीं, करना है तो सिर्फ हज करो, और अल्लाह ने कहा जो हजरात मीकात से बाहर के हैं, पूरी दुनिया से जो बंदे आ रहे हैं, वो हजरात मक्का आने के बाद हज के महीने के अंदर भी उमरा कर सकते हैं, उनके लिए जायज है, वो करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये क्यों कहा अल्लाह ने ये रियायत इनको दी, क्योंकि ये दूर से आ रहे हैं, ये अब आ जाएंगे, लेकिन इनके लिए दोबारा आना आसान नहीं है उमरा करने के लिए, तो इन हजरात को अल्लाह ने इजाजत दी कि आप आकर के उमरा कर सकते हो। अब मसला समझ में आ गया सब हजरात को। अब मसले का खुलासा यह निकला कि हज के महीने शुरू होने के बाद मक्का के काफिर इस्लाम से पहले यह समझते थे कि सिर्फ हज किया जाएगा, हज के साथ उमरा करने की इजाजत नहीं है और किसी को भी नहीं है। फिर अल्लाह ने इस इनके अकीदे को बदला और अल्लाह ने सही वाला जो हुक्म था वो अता फरमाया, और अल्लाह ने कहा कि ये मसला है लेकिन सिर्फ उसके लिए है जो कहां का रहने वाला हो, बोलो मेरे भाई, मीकात के अंदर का रहने वाला हो। जो बंदा मीकात से बाहर का रहने वाला है वो बंदा हज के महीनों में भी उमरा कर सकता है। अब समझ में आ गया सबको, ये है वो मसला जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर बयान फरमाए। इस मसले को अल्लाह रब्बुल इज्जत यहां पर जिक्र कर रहे हैं। एक बार ये तो हो गया एक मामला, दूसरी चीज अल्लाह ने कहा, अच्छा इस पर एक मसला आप जरा मुझे बता दें फिर आगे की बात
सुनना, एक बंदा है जद्दा का रहने वाला, जद्दा का रहने वाला, वो ये चाहता है कि मैं ज़ुल्क़ादा के महीने में उम्रा करूं और फिर ज़ुल्हिज्जा के महीने में हज करूं। तो बताइए जद्दा में रहने वाले के लिए ज़ुल्क़ादा में उम्रा और ज़ुल्हिज में हज करना जायज होगा या नाजायज होगा? नाजायज होगा। जद्दा का रहने वाला आदमी शव्वाल में या ज़ुल्क़ादा में उम्रा नहीं कर सकता, शव्वाल और ज़ुल्क़ादा में उम्रा नहीं कर सकता, क्योंकि वो मीकात के अंदर रह रहा है, उनके लिए उम्रा करना मना है। यही अल्लाह ने इन आयात के अंदर बयान किया। और बाकी इंडिया से अगर कोई जाना चाहे उम्रा करने शव्वाल के महीने में तो जा सकता है, जा सकता है। और एक बात और आपको मैं पते की बता दूं, पूरे साल में उम्रा करने का सबसे बेहतरीन वक्त अगर कोई सा है तो वो शव्वाल का महीना है, अगर आप वहां के पूरे मजे लेना चाहते हैं। शव्वाल के महीने में जाइए, ईद के दूसरे दिन टिकट कराइए और निकल जाइए, ईद उल फितर के दूसरे तीसरे दिन निकल जाए, जबरदस्त आपको वहां पे जगह मिलेगी। क्यों, किस एतबार से? इस एतबार से कि रमजान में बेपना रश होता है, वो हज के नजारे तक की बात मौज जाती है रमजान में उम्रे की। लेकिन वो सारे टूर रमजान के लास्ट में रवाना, अक्सर जो आ जाते हैं वो ईद उल फितर से एक या दो दिन पहले, वरना ईद के दूसरे दिन और तीसरे दिन सबकी वापसी की फ्लाइट। सारे आलम में लोग दाएं दाएं फ्लाइटें वहां से भर भर के जाती, सब जा रहे हैं फारिग हो कर के। ये सारी पब्लिक जो मजमा आया हुआ था ये तो जा रहा है, जाहिर सी बात है ईद के दिन ही निकलते हैं, ईद के अगले दिन निकलते हैं, वरना दूसरे दिन सब अपना रवाना हो जाते। दूसरे मीकात के अंदर के लोगों के लिए उम्रा उन दिनों में जायज नहीं, समझ रहे हैं ना? मीकात के अंदर रहने वालों के लिए उम्रा उन दिनों में सही नहीं, वो आ नहीं सकते। तीसरी बात, आगे हज शुरू होने जा रहे हैं, हज के महीने आ रहे हैं, सऊदी हुकूमत उसकी वजह से उम्री के जो वीजा हैं वो लिमिटेड इशू करती, फिर उतने ज्यादा बंदे वहां जमा नहीं किए जाते, क्योंकि वो अपनी सारी इंतजाम में मशगूल हो जाते ईद के बाद में। अगर बंदा ईद उल फितर के बाद वहां जाए, आप यकीन माने वसूल करने वाला वक्त है कि बंदे को हर चीज इंशाल्लाह बड़ी इत्मीनान से करने को मिलेगी। और हमारे बहुत सारे अहबाब मेरे से जो मशवरा करते, मैंने उन्हें ये वक्त बताया, अक्सर हजरात गए भी माशाल्लाह, और अक्सर उनमें जिनमें जरा सी जान वान भी होती है ना, वो सब आकर के बताते हैं कि माशाल्लाह हजरे अस्वद का भी बोसा इत्मीनान से हासिल हो गया। तो अल्लाह का शुक्र होता है कि बंदा इन अय्याम में बहुत आसानी से फारिग हो जाता है। तो जहन में रखने की बात है, कभी अल्लाह मौका दे, इत्तेफाक हो तो कर लीजिएगा। बहरहाल अब बात हमारी यहां पर यह चल रही है कि जद्दा का रहने वाला आदमी शव्वाल ज़ुल्क़ादा के महीने में उम्रा नहीं कर सकता, क्योंकि मीकात के अंदर वाले इनके लिए उम्रा करना उन अय्याम में सही नहीं, कुरान ने मना फरमा दी। ये सोचे कि अब उम्रा कर लें फिर, कुरान ने कहा नहीं आप नहीं कर सकते। हां, ये जो बाहर वाले हजरात थे वो कर सकते, हिंदुस्तान वाले कर सकते, ये हज भी करें उम्रे भी करें खाली उम्रे भी करें, हर तरह से आपके लिए इजाजत है, आपको गुंजाइश दी गई है। दूसरी बात, अल्लाह ने यहां पर एक और बात कही, अल्लाह ने कहा देखो मीकात से बाहर वालों को मैंने इजाजत तो दे दी कि आप उम्रा करो आकर के इन दिनों में, कोई मसला नहीं, लेकिन जो मीकात से बाहर वाला बंदा
इन दिनों में आकर के उम्रा करेगा और उसके बाद जुलहिज्जा में हज करेगा, उस बंदे के जिम्मे कुर्बानी लाजिम होगी, उसको कुर्बानी करनी पड़ेगी। जिसने एक सफर के अंदर दोनों चीजों से फायदा उठा लिया, हज भी कर लिया और उम्रा भी कर लिया, तो ऐसे बंदे के ऊपर क्या वाजिब होगी? कुर्बानी। कुर्बानी दे, शुक्राना भी तो अदा कर भाई, कितनी बड़ी अल्लाह ने सआदत दी कि हज उम्रा सब एक साथ हो गए, शुक्राने की कुर्बानी, उसके ऊपर कुर्बानी को वाजिब कर दिया गया कि आप कुर्बानी करेंगे। चुनाचे इंडिया से जाने वाले, तमाम मुल्कों से जाने वाले हज भी करते हैं, उम्रा भी करते हैं, इसीलिए सब हजरात वहां जाके कुर्बानी भी करते हैं, सब पे कुर्बानी वाजिब होती है, क्योंकि वो दोनों अमल कर रहे हैं, दोनों चीजों से फायदा उठा रहे हैं, कुर्बानी करेंगे। अब यहां पर कुर्बानी करने का जो हुक्म है, मान लीजिए फिर कोई बंदा ऐसा है उसके बाद कुर्बानी का इंतजाम नहीं, बेचारा गरीब है, हर जगह तो हमें यह भी जोड़ के चलना पड़ेगा ना कि अगर ना कर सके तो क्या होगा, हर जगह इसका शरीयत ने इत्तेबार किया। यानी जो बंदा हज के महीनों में उम्रा भी कर रहा है और हज भी कर रहा है, उसके जिम्मे कुर्बानी जरूरी है। अब वो जब ये कुर्बानी करेगा, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो कैसे करेगा, क्या करेगा वो बंदा, उसके लिए क्या ऑप्शन शरीयत ने रखा? ये देखें इतनी डिटेल सिर्फ उम्मते मुहम्मदिया शरीयत इस्लामिया में मिलेगी आपको, बाकी दुनिया का कोई मजहब अपनी इबादत की इतनी डिटेल नहीं दे सकता। दुनिया का कोई सभी मजहब आप ले लें, उसकी इबादत की इतनी डिटेल उसकी अपनी मजहबी किताबों के अंदर लिखी हो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ इस्लाम में कि अगर कर सकता है तो ये करे, नहीं कर सकता तो अब क्या करेगा। अब जरा इसके लिए कुरान ने जो तरतीब बताई है उसको जरा सुन लीजिए, वो क्या करेगा। जो बंदा कुर्बानी नहीं कर सकता, माली एतबार से कमजोर है, उस बंदे को 10 रोजे रखने पड़ेंगे। कितने रोजे? 10 रोजे। और किस तरह से ये 10 रोजे रखे जाएंगे? कुरान ने कहा 3 रोजे तो आपको हज में ही वहीं रखने पड़ेंगे, उन्हीं दिनों में रखने पड़ेंगे, उन अय्याम में। चुनाचे इनके जो अय्याम है, उलमा ने लिखा कि ज़िलहिज का महीना शुरू होने के बाद 1 तारीख से 9 ज़िलहिज्जा तक ये 3 रोजे रख लेने चाहिए, 1 से लेकर के 9 तक इनके बीच में ये 3 रोजे रख ले। जिसे पता है मैं हज के बाद कुर्बानी नहीं कर सकता, 3 रोजे अपने इन 9 दिनों में रख ले, आगे पीछे भी रख ले कैसे भी, लेकिन इन 9 दिनों में रख ले। 3 तो यहां हो गए, बाकी कितने बचे? 7। अब ये 7 रोजे ये कब रखेगा? ये हज से सारी चीजों से फारिग होने के बाद, जब अच्छी तरह निमट जाएगा, उसके बाद आराम से जब अपने होटल आ जाए, फिर उसके बाद आराम से वहां पे रख ले। अगर दिल करे तो वहां रख ले, ना दिल करे तो इंडिया आकर के भी रख ले, तब भी अदा हो जाएगा। और चाहे 1 साथ रख ले, चाहे आगे पीछे रख ले, तब भी अदा हो जाएंगे, जिस तरह से चाहे, लेकिन 10 की तादाद उसे इस तरह पूरी करनी, जो कुर्बानी की हैसियत नहीं रखता। तो 3 तो करेगा वो, कब से कब तक? बोलिए, बोलो मेरे भाई, 1 से 9 तक। और बाकी जो 7 हैं वो कब करेगा? जब उसका दिल करे, वो जब उसका दिल करे हज से फारिग होने के बाद, उसके बाद वो अपने बाकी के 7 रोजे रखेगा। इस तरह से उसका यह अमल कुर्बानी का पूरा हो जाए। अब आ गया सब हजरात को पूरा मसला। अब जरा आप मुझे दोहरा दें, फिर हम बस तर्जमा करके इंशाल्लाह फारिग हो जाते हैं। ये जो मसला इस वक्त में हमने तीसरा पेश किया है, और आज का ये दूसरा है, आयत का ये तीसरा मसला है। पहला था इहसार का मसला, दूसरा आया हलक का, गंजा कराने का मसला, और तीसरा आया ये यहां पर
हज और उम्रे को एक साथ में करने का मसला हज के महीनों में, कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता, करेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसकी तफसील ये तीसरा मसला, और इस पर ये आयत 196 पूरी होती। जरा खुलासा सुना दे। मैंने बताया कि मक्का के कुफार का अकीदा था कि हज के महीनों में सिर्फ क्या करेंगे, सब बोलना, हज करेंगे, उमरा नहीं कर सकते। हज के महीने कौन कौन से, नंबर एक शव्वाल, नंबर दो दुलकादा, और नंबर तीन दुलहिज्जा के 10 दिन। ये 70 दिन का हिस्सा है जो हज के महीने कहलाते। इसमें वो कहते थे सिर्फ हज होगा उमरा नहीं। अल्लाह ने उनको मना किया कि गलत है यह अकीदा। अल्लाह ने थोड़ा सा बदल लिया। अल्लाह ने यह कहा कि मना तो है उमरा करना इन दिनों में, लेकिन किसके लिए, जो बंदा मीकात के अंदर रहता है वो बंदा इन दिनों में उमरे ना करे, वो सिर्फ बंदा हज करे। अलबत्ता जो मीकात से बाहर का रहने वाला है वो बंदा अगर इन महीनों में भी उमरा करना चाहे तो कर सकता है। फिर अगर उस बंदे ने सिर्फ उमरा किया, बाहर का कोई रहने वाला है इंडिया का, उसने जाके शव्वाल में उमरा किया और वापस आ गया तो कोई कुर्बानी नहीं, लेकिन अगर उमरा उसने किया शव्वाल में और फिर आगे उसने जुलहिज के महीने में हज कर लिया तो अब क्या करनी पड़ेगी, कुर्बानी। अब उसे कुर्बानी करनी पड़ेगी, एक जानवर की कुर्बानी दे। अगर उसके पास कुर्बानी की गुंजाइश नहीं है, वो कुर्बानी नहीं कर सकता, तो कुरान ने फिर ऑप्शन दिया कि कितने रोजे रखने, 10 रोजे रखने। 3 रोजे कब से कब तक, 1 से 9 ज़िलहिज्जा तक, और बाकी के 7 रोजे कब, जब घर वापसी हो जाए, या चाहे वहीं पे जब फारिग होकर के मक्का में या मदीना में रहे वहीं रख सकते। तो ये अहकाम अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर अता फरमाए। अब जरा आप तर्जमा सुन लें। अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं, फइदा अमिनतुम फमन तमत्ता बिल उमरति इलल हज, पर जब इत्मीनान से होकर के तुम उमरा करो हज के साथ, उमरा करो हज के साथ, यानी एक ही सफर में हज भी हो गया और उमरा भी हो गया, फमस्तैसर मिनल हदी, अल्लाह कह रहे हैं फिर तुम एक कुर्बानी करो, कुर्बानी ऑर्डर आ गया, कुर्बानी करो। अब मसला आपको समझ में आता जाएगा क्योंकि आप सब तफसील सुने हुए हैं। आगे अल्लाह कह रहे हैं फमल लम यजिद, जिसके पास कुर्बानी की गुंजाइश नहीं है, फसियामु सलासती अय्याम फिल हज, 3 रोजे रखे हज के दिनों में। तो वो मैंने बता दिया कि बेहतर है कि 1 से 9 तक का जो ये वक्त है इस दरमियान में वो ये रोजे रख ले। वसबअतिन इदा रजअतुम, और 7 रोजे रखो जब तुम लौट जाओ, लौट के यानी अपने कमरों पे मोहल्लों में वहां पे पहुंच जाओ और ये अपने वतन हो जाओ। तिलका अशरतुन कामिला, अल्लाह कहते हैं कि ये 10 पूरे मुकम्मल रोजे। भाई अब तो समझ में आ रहा होगा ना, अभी जब आधे घंटे पहले मैंने तर्जमा किया था ना तब ये नहीं सामने थी बातें, तो देखें कैसा था, और अब कर रहा हूं तो आपको लगेगा ये तो सब हल है, कोई मसला नहीं। ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ, اللہ کہتے ہیں یہ جو اجازت ہے حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے کی یہ کس کے لیے ہے, یہ اس کے لیے ہے جس کا گھر اور جس کے گھر والے مسجد الحرام کے آس پاس نہ رہتے ہوں, اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ عمرہ کر سکتا ہے। अब मस्जिदुल हराम के आसपास का इलाका उलमा ने इसको मीकात से तय किया है कि मीकात इससे मुराद है, जो मीकात के अंदर है वो मस्जिदुल हराम के करीबी है और जो मीकात से बाहर है वो मस्जिदुल हराम से दूर है। वत्तकुल्लाह वअलमु अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह से डरते रहो और जान लो कि अल्लाह बड़ी जबरदस्त पकड़ करने वाला भी है, यानी अगर हज और उम्रा करो तो अल्लाह का खौफ और डर दिलों के अंदर रखो,
और शरीयत और सुन्नत के मुताबिक उसको करो, गलत सलत तरीके के ऊपर ना करो। जैसे कि लोग जा करके वहां पे बड़ी गलतियां करते हैं, सीख करके जाएं, सही से जाएं और सही अंदाज में जा करके इन मुबारक इबादतों को अदा करें। हमारे यहां जाने से पहले ही ना तो सीखने की कोशिश, ना तैयारी की तौफीक, कुछ नहीं। बस जाने वाला सबसे पहले ये हिसाब जोड़ना शुरू करता है, मुझे किस किस के लिए क्या क्या लाना है। जैसे ही वीजा लगता है, फोन आता है कि आपका वीजा लग गया, वो उसी दिन से अपने पैसे देखता है कि मैं कितना माल ला सकता हूं। उसी दिन से वो इस हिसाब में वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद अभी कुछ नहीं किया, पहली नमाज पढ़ी जाकर के मस्जिद नबवी में, वहीं से जब फारिग होकर बाहर निकलते सीधे मार्केट में घुस जाते और तभी से शॉपिंग शुरू। और बस हर नमाज के लिए जाएंगे, शॉपिंग करके लाएंगे, कमरों पे वो तराजू रखे रहते हैं, बतूलते रहते हैं, अब इतने किलो हो गया, अब इतने किलो हो गया, अब इतने किलो हो गया, जितने किलो की गुंजाइश है उसमें 250 ग्राम भी कम ना रह जाए, वो पूरा फुल करके ले जाना है क्योंकि सबको बांटना है। हमारे यहां हज और उम्रे आजकल इस अंदाज में हो गए, बांटने का रह गया मामला और सारी चीजें खत्म है, बाकी नहीं पता होता करना क्या है, मस्जिद नबवी में क्या इबादत होंगी, हरम में क्या इबादत होंगी, मस्जिदुल हराम में कैसे हमें रहना है, इन सब चीजों की बंदा फिक्र नहीं करता। अल्लाह ने कहा कि ये बात जहन में रखो कि अल्लाह अगर आपको तौफीक दे रहा है तो अल्लाह पकड़ भी जबरदस्त कर सकता है, इसलिए तौफीक की कदर करें और सीख करके सही अंदाज में इन इबादत को अदा करें। अल्लाह से मेरी दुआ है, अल्लाह खुद मुझको भी और आप सारे हजरात को इन मुबारक आयात से जो बातें समझ में आई हैं अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। हम सबको अल्लाह हज और उम्रे की इबादत के लिए बार बार कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये पूछ रहे हैं मुफ्ती साहब, क्या हम अपना वेट तोलते हैं तो उसका सदका करना चाहिए, क्योंकि मुझसे किसी ने ये बात कही है। जब ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को तोलते हैं तो सदका करना चाहिए, बिल्कुल कर दिया करें, अच्छी बात है। शरीयत तो नहीं कहती लेकिन कर दिया करें कि अल्लाह ने कितना माल खिला रखा है। खाली वहां खड़े होकर के वो कांटा देखते हैं, 70-75-80 खुश होते हैं कि बढ़िया बदन बन रहा है, अल्लाह के बंदो इतना माल खा रखा है, 10 रुपए सदका भी कर दो कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने इतनी नेमतें हमें खाने को दी, जब ही तो वजन हो रहे हैं, जब ही तो हम इस दर्जे तक पहुंच रहे हैं। कह रहे मिर्च से नजर उतारने का क्या ये सही है या फिर गलत, क्या नजर सच में होती है? जी हाँ, नजर वाकई में होती है, हदीस में है अलाइनु हक्कुन, नजर का लगना बरहक है। और मिर्चों से उतारना ये कोई शरीयत का तरीका बताया हुआ नहीं है और ना ही कोई हदीस का तरीका है, ये सिर्फ एक इलाज के तौर पर है, इलाज के तौर पर है, इसको शरीयत से जोड़ के ना किया करें। शरीयत का नहीं है हुक्म, ना ही शरीयत ने ये करने के लिए हमें बताया, सिर्फ आप इस नियत से करें कि एक इलाज का तरीका है और उसके लिए आप इस तरीके को अमल में ला सकते हैं, बाकी हुक्म शरीयत ये नहीं है। कह रहे हैं हमारे मुफ्ती साहब हमारा निकाह का इरादा है लेकिन आपने तो डरा दिया, आपसे दरख्वास्त है कि इतना ना डराएं, मैं सोच रहा हूं कि निकाह का इरादा करूं या ना करूं। कमाल है, मैंने निकाह के बारे में गुज़िश्ता हफ्ते थोड़ी सी बातें बताई, बंदे ने इरादा ही छोड़ दिया। मैं गुनाहों के बारे में भी तो बहुत डराता हूं, उनके बारे में भी तो इरादा बनाना चाहिए कि अब ये सारी चीजें नहीं करेंगे, सबको छोड़ देंगे। और बाकी जहां तक मामला है उन बातों का, मेरे भाई वो थोड़ी सी ना आपके चेहरों पे मुस्कुराहट के लिए हम बातें जिक्र कर देते हैं ताकि आप जरा सा मुस्कुरा लें, तबीयत आपकी फ्रेश हो जाए, आपको भी लगे कि मुफ्ती साहब हमारे गम को चलो तसल्ली दे रहे हैं, इसलिए जरा सा हो जाता है मामला। बाकी अल्लाह ना करे ऐसा कुछ नहीं है, निकाह और शादी बड़ी बाबरकत चीज है। कुरान ने कहा लितस्कुनू इलैहा, तुम निकाह करो अल्लाह तुम्हें इसकी बरकत से सुकून वाली जिंदगी अता करेंगे, तो बहुत अच्छी चीज है, बेशक करें, घबराने की कोई जरूरत नहीं। कह रहे हैं क्या खातून खवातीन के लिए लोहे से हेयर रिमूव करने की इजाजत है? जायज है,
अगर कोई औरत लोहे से उस्तुरे से अपने बाल साफ करना चाहे तो शरीयत ने उसको इजाजत दी है, कोई हर्ज नहीं, क्रीम से लोहे उस्तुरे से सब जायज है। इसी तरह मर्द मर्द भी अगर कोई है वो ये चाहे कि मैं किसी क्रीम से साफ करूं अपने बालों को तो उसके लिए भी जायज है, मना नहीं है। मर्द हजरात के जहन में उमूमन ये बात है कि शायद लोहे से ही जरूरी है, ऐसा नहीं है, लाजमी नहीं है, आपकी पसंद पर है, बाकी अफजल है। अफजल मर्द के लिए है कि वो उस्तुरे से साफ करे, खवातीन के लिए है कि वो उस्तुरे के अलावा किसी चीज से साफ करें, ये अफजल है। लेकिन अगर खातून है वो उस्तुरे से या मर्द है और वो क्रीम से करना चाहे तो उसकी भी इजाजत है, ये गुनाह नहीं है शरीयत में और जायज अमल है। कह रहे हैं ये बात मौलाना मुमताज तक पहुंचा दें कि हम उनकी नात के मुंतजिर हैं, वो नात सुना दिया करें। भाई वो हमारे जो नात कुआ है ना, मैं खुद मुंतजिर रहता हूं, आप ही नहीं हम भी मुंतजिर रहते हैं, लेकिन अब वो जो है ना सफर में रहते हैं, वो मदरसे की तरफ से जो असफार होते हैं वो उनके हवाले हैं, तो वो मुस्तकिल सफर चलता रहता है। मैं जब भी मंगल का मौका आता है राब्ता करता हूं कि भाई वक्त हो तो आ जाओ, तो वो वक्त नहीं हो पाता तो इसलिए नहीं हाजिरी हो पा रही। कह रहे हैं दोपहर को जवाल का वक्त किस टाइम तक रहता है? जुहर का जो शुरू वक्त है, जुहर का जो शुरू वक्त है उससे पहले के जो 15 से 20 मिनट है बस उस वक्त में आप नमाज ना पढ़ करें, वो जवाल का मान लिया करें। क्या फजर की कजा नमाज जोहर में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, फजर की कजा जोहर में हो जाएगी। कह रहे बचपन में खेत में से चोरी के गन्ने तोड़े हैं, घास चोरी से लेकर आए हैं, इसका क्या हुक्म है? देखिए बचपन में बहुत किया होता है सबने, खेत से तोड़े, और पहले तो एक और तरीका चलता था, ट्रक जाते थे ना उसके पीछे लटक लटक के खींचे जाते थे गन्ने, और एक बंदा खींचने पे लगता था दूसरे को लगाता था तू इकट्ठा करता रहे, मैं माल गनीमत डाल रहा हूं तू गनीमत इकट्ठी कर, तो ये अमल होता था। अगर हमने भी ये कुछ किया है तो सबसे बेहतर तरीका ना तो वो ट्रक हम ढूंढ सकते ना मालिक तक पहुंच सकते, आसान तरीका है कि कुछ रुपए आप सदका कर दिया करें कि या अल्लाह जिसका हक मैंने लिया है उसको इसका बदला पहुंचा दिए, बस बात खत्म। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। बाप बीमार है, एक बच्चा कमाता है, 3000 रुपए हफ्ते की दवाई आती है, उसे सदका या जकात दे सकते हैं? नहीं। अगर उनके पास 40-42 हजार रुपए कैश में नहीं है या इतने का सोना और चांदी भी नहीं है तो फिर आप उन्हें जकात और सदका सब दे सकते हैं। कह रहे हैं औलाद बहुत नाफरमान है, घर में सुकून नहीं है, पढ़ने के लिए कोई दुआ बता दीजिए। सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 जो मैं बार बार बताता हूं, हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ें। लड़की का रिश्ता हो जाए इसके लिए दुआ, या जामियो चाहे लड़का हो या लड़की, 121 मरतबा हर नमाज के बाद माँ बाप भी पढ़ें और जिसका मसला है लड़के का या लड़की का वो खुद भी पढ़ें, इंशाअल्लाह आसान हो जाएगा। कह रहे हैं दुनिया 2000 साल पहले थी, 1400 साल पहले हुजूर आए, बचे 700 साल, इन साल के अंदर 1,24,000 नबी कैसे आ गए? ये भाई आपने अपने हिसाब से 2000 साल तय कर दिए, ये किस हदीस में लिखा है कि 2000 साल हुए अभी दुनिया में? ये तो कोई भी एविडेंस नहीं है इसका, कोई प्रूफ नहीं है, ना तो साइंस के पास में इसका एग्जैक्टली कोई प्रूफ है और ना ही इस्लाम ने दिया कि कितने वक्त से ये सिलसिला चल रहा है, इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, तो ये तो हम तय ही नहीं कर सकते, तो ये बात ही गलत हो जाती है कि कैसे हुआ क्या हुआ। कह रहे हैं जमात वाले ज्यादा जबरदस्ती कर देते हैं, क्या उनकी जबरदस्ती सही है या नहीं? देखे जमात के साथ ही हमारे बाद मरतबा जोर ज्यादा डालते हैं, मैं ये समझता हूं कि हर्ज भी नहीं है, क्योंकि करते तो हम वही हैं जो दिल करें हमारा, किसी के जबरदस्ती से हम मान तो जाते नहीं, लेकिन वो बेचारे जबरदस्ती करने की भी वजह होती है। क्यों भाई कितने चकमे देते हैं हम जमात वालों को, दसियों बार नाम लिखवा देंगे, रकम भी जमा कर देंगे, और जब दिन आएगा वो बेचारे कॉल करेंगे फोन सोई चौक घर पे आएंगे बंदा आया कहां है, मनाली गया, वो तो बर्फ देख रहे,
वो बेचारे जबरदस्ती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, बाद मरतबा फिर करनी पड़ती है मजबूरी में, इसलिए हम उन्हें गलत नहीं कहेंगे। बाकी ये है कि हर बंदे को लिहाज रखना चाहिए और हम खुद अपनी सआदत समझ के दीन की खिदमत में शरीक होने की कोशिश करें, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है। कह रहे हैं वुजू के नफल फजर या असर में पढ़ सकते हैं या नहीं। देखें वुजू के जो नफल है, अगर हमने फजर का वक्त है उस वक्त वुजू किया तो नफल नहीं पढ़े जाएंगे, अगर असर का वक्त है हमने वुजू किया और अभी असर की फर्ज नमाज नहीं पढ़ी तो आप नफिल पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपने असर के फर्ज पढ़ लिए उसके बाद आपने वुजू किया, अब आप चाह रहे हैं मैं मगरिब से पहले नफिल पढ़ लूं, अब नहीं पढ़ सकते, तो बस ये बात ज़हन में रखें। ये कह रहे हैं कि नमाज के बाद ऐसा लगता है कि जैसे वुजू टूट गई हो, मतलब पूरा यकीन भी नहीं होता। देखिए अगर खाली शक शुबा हो रहा है तो आप वुजू को टूटा हुआ ना माने जब तक कि आपको यकीन की कैफियत ना हो जाए। अगर खाली शक पर आप वुजू को टूटा हुआ मानेंगे ना, नमाजों को तोड़ेंगे, तो फिर याद रखिए शैतान आपको दो रकत भी नहीं पढ़ने देगा। इसलिए अपने इस शक को बढ़ने ना दें, जब यकीन की कैफियत हो जाए तब बंदा वुजू को टूटा हुआ माने, बाकी शक शुबे में ना किया करें। टीवी बेच के किसी गरीब को दे सकते हैं पैसे या नहीं। टीवी बेच के किसी गरीब को आप पैसे दे दें बिल्कुल सही है, कोई हरज की बात नहीं है, शरान जायज है। हाँ लेकिन ये मत करना कि टीवी दे देना किसी के, ले भाई हमारे यहां तो देखा नहीं जा रहा तू देख ले, इसमें हमारी पकड़ हो जाएगी। और बेचने का जो मामला, बेचने की इजाजत है, शरीयत ने उसे हराम नहीं कहा, क्योंकि बेचने के बाद सामने वाले की मर्जी है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता। बाकी अगर हम फ्री में दे रहे हैं तो हम उसको गोया के फिर ताउन कर रहे हैं, फिर उसमें हमारे लिए इजाजत नहीं है। कह रहे हैं कि जिस शादी में ढोल डीजे बैंड बाजा हो वहां शिरकत नाजायज कहते हैं आप भी, और वहां का खाना मना भी नाजायज कहते हैं। सवाल ये कि खाना पीना कैसे हराम हो जाएगा जबकि वो तो हलाल के पैसे से पका है। अरे अल्लाह के बंदे, हलाल के पैसे से पका है तो जगह भी तो हलाल होनी चाहिए, खाली पैसा हलाल हो और जगह हराम हो। आप अपना हलाल की रोजी का टिफिन ले जाकर के सिनेमा हॉल में बैठ के खाइए, सीट बुक कराइए, सामने बैठिए स्क्रीन के वहां खाइए, भाई ये खाना क्यों हराम, ये तो हलाल के पैसों का। अरे अल्लाह के बंदे, खाली हलाल के पैसों का नहीं, जगह भी तो हलाल हो, नहीं समझ रहे, जगह भी तो हलाल होनी चाहिए ना। हम गए कहां हैं जरा ये तो देखें, वहां पे जब हरामकारी हो रही है तो वहां पे हमारी शिरकत उस हरामकारी की वजह से ना जाएगी। अब खाली बात खाने की नहीं है कि खाने का मसला, तो इसलिए उससे बचना चाहिए। कह रहे अल्लाह कौन है, अल्लाह कौन है, इसके लिए सूरह फातिहा की शुरू की तीन आयतें पढ़ गए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह के लिए सारी तारीफें हैं, अल्लाह वो है जो रब है सारे जहानों का, और रहमान वो बड़ा मेहरबान है, और रहीम बड़ा रहम करने वाला है, और मालिक यौमिद्दीन आखिरत की सारी मंजिलों का वो तन्हा मालिक है। ये अल्लाह का तारुफ है, अल्लाह ने खुद कराया। कह रहे सवा लाख कलीमा कितना पढ़ना है, कोई बोलता है 75,000 या पूरा, आप बता दें भाई 75 या 80 की कोई कैद नहीं है, जितना मर्जी हो आसानी से पढ़ा कर। ये 75 जरूरी है या 1,00,000 जरूरी है ऐसा हदीसों के अंदर साफ मौजूद नहीं है, लिहाजा जितना आसान हो उतना पढ़े, चाहे वो 10,000 हो, चाहे 1,000 हो, चाहे 1,00,000 हो, अपनी सहूलत के एतबार से कलीमा पढ़ लिया करें। बड़ा लंबा है। ये कह रहे हैं नबी और रसूल में क्या फर्क है, हमारे नबी रसूल हैं या नबी। अब आप कहेंगे कि यही बताया करें, भाई इसके ऊपर मेरा वजाहत से बयान हो चुका है, वो आप यूट्यूब पर सुन लें, अब मैं हर बात यहां पर रिपीट नहीं कर सकता, वक्त बहुत चाहिए होता है। कह रहे हैं कि मस्जिद में एक बड़े मियां आते हैं अपने पैरों पे खुद चल के, मगर वो अगले सब के कोने में पिलर से वहां अपनी कुर्सी बिछाकर नमाज अदा करते हैं जबकि अगली सब पूरी नहीं होती। देखें अगर कोई मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ रहा है
और ये सब पहली लगी हुई है और ये पहली सब पूरी नहीं हो रही, और उन्होंने अपनी कुर्सी कोने में लगा दी जिसकी वजह से बीच में जगह छूटी हुई है, तो ये सही नहीं है। उन्हें चाहिए कि अपनी कुर्सी जहां पे सब खत्म हो रही है वहां पे लगा ले, उसके बाद कोई आएगा वो कुर्सी के उधर खड़ा हो जाएगा, कोई एतराज की बात नहीं है। बात समझ गए ना? कह रहे अल्लाह को दुनिया में देखना चाहे जिससे ईमान में पुख्तगी हो जाए। मेरे भाई ईमान बिल गैब अल्लाह को चाहिए। सूरह बकरा में शुरू में अल्लाह ने कहा अल्लज़ीन युमिनूना बिल गैब, बगैर देखे वाला ईमान अल्लाह को चाहिए। अगर सब कुछ देख के माना तो क्या माना? इसलिए देखेंगे इंशाल्लाह जन्नत में, फिलहाल यहां मानिए और अमल कीजिए। कह रहे किसी ने हमारे से प्लॉट लिया 2 महीने के वादे पर, उसने कुछ पैसे भी दिए, 2 महीने से बहुत वक्त ज्यादा हो गया, क्या हम उसे कैंसिल कर सकते हैं या नहीं? उसने कहा 2 महीने बाद मैं पूरा पेमेंट करके बैनामा करा दूंगा। अब 2 महीने गुजर गए, आपके लिए जायज है कि आप उसे किसी और को बेच दो क्योंकि आपका वादा पूरा हो गया, लेकिन जो बयाना आपके पास आया हुआ है वो आपको वापस करना पड़ेगा, उसका रखना जायज नहीं है। आजकल बयाना लोग खा जाते हैं वो हराम है, उसका खाना जायज नहीं, वो हमें वापस करना पड़ेगा। हम उसे किसी और को तो बेच सकते हैं लेकिन बयाना नहीं रख सकते। अजान का सुन्नत तरीका इंशाल्लाह जल्दी ही इसको हम रिकॉर्ड करा के चैनल पे अपलोड कराएंगे। कह रहे सामने वाले आदमी ने यह कहा कि मेरी भी दुकान उसकी दुकान के सामने, वो बोला कि आज फिल्म देखने चले, तो मैंने कोई जवाब नहीं दिया। दोबारा फिर कहा तो मैंने कहा कि तू हमारा ईमान कमजोर हो रहा है। वहीं पास में बुजुर्ग उस आदमी के लड़के फोन में वीडियो वगैरह देख रहे थे, मैंने उनको कहा कि दाढ़ी होकर भी शर्म नहीं आ रही उन बड़े मियां से, वो बेचारे बैठे हुए। बहरहाल इनसे किसी ने कहा फिल्म देखने चलते हैं, इन्होंने अपने आप को बचाया कि नहीं भाई नहीं जाना, लेकिन वही इनका ईमान जरा ज्यादा जोश में आ गया। वो जो एक बड़ी मियां बैठे हुए थे वो कुछ मोबाइल में देख रहे होंगे, इन्होंने उन्हें कह दिया कि तुम्हारी दाढ़ी है तुम्हें शर्म नहीं आती ये चीजें देखते हुए? ये जुमला गलत है। इसका पता है नतीजा क्या होगा? माइंड सेट लोगों का ये बनेगा कि दाढ़ी जब रखेंगे जब हम सुधर जाएंगे पूरे। अरे अल्लाह के बंदो, दाढ़ी शुरू में रखने की चीज है, दाढ़ी की बरकत से सुधरेंगे। ये सोचना कि जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी तब दाढ़ी रखेंगे ये गलत है, और उस गलती को बढ़ावा ये हमारे जुमले देते हैं। किसी बेचारे ने हिम्मत करके दाढ़ी रखी और वो कोई भी गलत हरकत करे आदमी फौरन कहता दाढ़ी रख के ऐसी हरकत कर रहा है। भाई वो अगर दाढ़ी रख के फिल्म देख रहा है, सुनना मेरी बात, दाढ़ी रख के अगर वो फिल्म देख रहा है वो फिल्म देखने का गुनाह हो रहा है, सिंगल गुनाह, और वो आदमी जो दाढ़ी मुंडा के फिल्म देख रहा है वो डबल गुनाहगार है। दाढ़ी भी मुंडा रखी है फिल्म भी देख रहा है, डबल गुनाह, ये ज्यादा बुरा है। नहीं समझे भाई? जिसने दाढ़ी रख रखी है उसे दाढ़ी कटाने का तो गुनाह नहीं हो रहा ना, उसे तो सिर्फ एक गुनाह हो रहा है। हमें लान तान उस पे करनी चाहिए कि जो डबल गुनाह के अंदर मुब्तला है, और इसी वजह से हमारे इन जुमलों की वजह से लोग दाढ़ियां रखने से बचते हैं कि वरना लोग हम कुछ भी करेंगे तो फौरन ताने मारेंगे। इसलिए ऐसे ताने और ऐसे जुमले ना कहा करें। दुआ फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال يا الله رحمان رحيم ہے يا الله بڑے کریم ہے يا الله آپ نے ہمیں لاکھوں کروڑوں نعمتوں سے بغیر استحقاق کے نوازا ہے
ए अल्लाह, जहां आपने इतनी सारी नेमतें अता फरमाई है, हमारी दरखास्त है हम सबको मग़फ़िरत भी अता फरमा। ए अल्लाह, हमारे तमाम छोटे और बड़े गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हर तरह की गलतियों से हम सबकी पूरी पूरी हिफाजत फरमा, गुनाहों से बचना हम सबके लिए आसान फरमा। या अल्लाह, सारी दुनिया में जहां कहीं भी मुसलमान आबाद है, सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। मेरे मौलाए करीम, हराम कारियों से हम सबको महफूज फरमा और हलाल का हम सबको शौकीन बना। ए अल्लाह, फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। अल्लाह अपने गैबी लश्कर नाजिल फरमा, अल्लाह अपनी गैबी मदद नाजिल फरमा, अल्लाह उन मजलूमों की इमदाद फरमा, अल्लाह अपने अपनी ताकतवर फौज नाजिल फरमा, अल्लाह अल्लाह अपनी पकड़ उन यहूद मलून पे नाजिल फरमा, अल्लाह उन बदमा जालिम यहूदियों पे अपना गुस्सा नाजिल फरमा। ए अल्लाह, इन यहूदियों को या अल्लाह अगर हिदायत है तो हिदायत अता फरमा, वरना इन्हें नेस तो नाबूद फरमा। ए अल्लाह, हर तरह से मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, फिलिस्तीन की सरजमीन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, बैतुल मक़दिस शहर की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, सारी सरजमीन को महफूज फरमा। ए अल्लाह, हर तरह से इस उम्मत की रहबरी फरमा और इस उम्मत को गुमराह होने से महफूज फरमा, गलत रास्तों से हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह, हमने इस मजलिस में जितनी दुआएं मांगी हैं, अपने फजल से वो सब आता फरमा, और जो जरूरी हो और हम मांग न सके हो, मेरे मौला बगैर मांगे वो सब भी हमें आता फरमा। हमारी इन तमाम दुआओं को हमारे आका सरवरे दो आलम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين.